दोस्तों, आप सभी कैसे हो? कुसीन किचन के चैनल में आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा हो तो आइए हम बनाते हैं कोलकाता का मशहूर वेजिटेबल चप, जिसको बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। इसके लिए मैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, एक आलू लिया है मैंने, दो चुकंदर, एक गाजर, हल्दी पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, जीरा और काली मिर्च पाउडर, बादाम जिसको मैंने भूज कर क्रश कर लिया है, और मैंने बिस्किट का चूरा लिया है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर ना मिले तो आप इसे घर पे भी आसानी से बना सकते हैं। मैदा का घोल लेंगे जिसमें हम काला नमक और काली मिर्च डालकर इसे हमने मिला लिया है। इसके अलावा हम कोई भी अच्छी कंपनी की रिफाइंड ऑयल लेंगे जो हम वेजिटेबल तलने के लिए उपयोग करेंगे। पहले हम चुकंदर, आलू और गाजर के छिलके उतार कर इसे हम धो के बॉयल कर लेंगे। देख सकते हैं हमारे चुकंदर, आलू और गाजर बॉइल्ड हो चुका है। अब हम इसे मसाजर की सहायता से पिल्ड कर लेंगे। चुकंदर, गाजर और आलू अब पिल्ड हो चुका है। अब हम एक गैस पे पैन चढ़ाएंगे, उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। देख सकते हैं कि मैंने जीरा यहाँ डाल दिया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। मैंने यहाँ 3 से 4 टीस्पून में, आप देख सकते हैं हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड आलू, गाजर, इन सभी को हम मिक्स करेंगे। रख देंगे कि यह अच्छी तरह से डीप फ्राई हो सके। फ्रीजर से निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में हम इसे फ्राई करेंगे। कोलकाता का मशहूर वेजिटेबल चप बनकर अब तैयार है। आप इसे सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये दिखने में देख सकते हैं आप कितनी ही लाजवाब लग रही है।
अगर आपका मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।